हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग रेसिपी बताने वाली हूँ। ग्रीन जूस, द लीव्स दैट आर आउट इन द ओपन इन द सनलाइट, दे अब्सॉर्ब अ लॉट ऑफ क्लोरोफिल, और ये क्लोरोफिल हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो ये जो ग्रीन जूस होता है, ये स्किन और बालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा भी रहता है। इट्स वेरी सिंपल, आप जूस में ये लीव्स डाल सकते हो, पालक डाल सकते हो, इसमें पुदीना डाल सकते हो, धनिया डाल सकते हो। जैसे आपने एक मुट्ठी पालक के लिए हैंडफुल थोड़ा सा आप उसमें पुदीना डाल देना, उसका हाफ जितना आप धनिया डाल देना। उसमें कड़ी पत्ता बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, मुट्ठी भर कड़ी पत्ता जाता है। मोरंगियों के जो लीव्स रहते हैं, जो ड्रमस्टिक लीव रहते हैं, वो भी आप डाल सकते हो। आप वीट ग्रास भी डाल सकते हो, जो भी आपको ग्रीन कलर के लीव्स दिखते हैं वो आप डाल सकते हो। इनफैक्ट जो वेजिटेबल्स रहते हैं, इनफैक्ट मैंने यहाँ पर चना के जो झाड़ है उसके भी ग्रीन लीव्स डाले हैं। इस सूप को बहुत अच्छे से धोना पड़ता है, बिकॉज धोना बहुत आवश्यक रहता है, क्योंकि ये जो लीव्स होते हैं ये खुले रहते हैं, इसमें धूल मिट्टी डस्ट बहुत कुछ पड़ती है। तो जो धोने की जो रीत रहती है उसको आप पानी में सोख करके थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट डाल सकते हो। पोटेशियम परमैंगनेट डालने के बाद लगभग 1 या 2 मिनट बाद या 5 मिनट बाद आप उसको फिर से पानी बदल दीजिए। पानी बदलने के बाद आपको दिखेगा कि उसकी जो मिट्टी है, जो गंध है, वो सब सेटल हो गया है। और फिर से एक अच्छे से जो रनिंग वाटर है उसमें धो के यू विल फाइंड वेरी नाइस क्लीन स्क्वीकी क्लीन लीव्स। ये सब पत्तों को आपको लेके मिक्सर में डालना है, और मिक्सर में लगभग आप जब डालोगे तो थोड़ा सा पानी भी डालना है। थोड़ा सा पानी डालने के बाद आप मिक्सर को घुमा लीजिए। उसमें आप नींबू डालना है, उसमें संचर डालना है, संचर मींस ब्लैक सॉल्ट। ये दोनों चीज़ें पानी को बहुत ही टेस्टी करता है, और इनफैक्ट जैसे पानी पूरी का पानी रहता है वैसा टेस्ट होता है। और जो रेडी जूस होगा वो ऐसा होगा, बहुत ही ग्रीन और बहुत ही हेल्दी। सो इट्स वर्थ अ ट्राई।